नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आजे 29 जून 2023 जोईए आजना समाचार। न्यूज ऑफ कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी बेस्ट शॉप, विजय नगर रोड, भुज, रामबाग रोड, आदिपुर। कच्छ में धार्मिक भावना साथे बकरी ईद नी उजवणी। कौमी एकता अने सारा वरसाद तथा लोकोनी सुखाकारी माटे नमाज अदा कराई। लोकोए आपस में गड़े मळी ईदनी मुबारकबादी आपी। इस्लाम धर्म में खुदानी रहमत मेळववा माटे उजववामां आवता ईद उल अहदाना तहेवार निमित्ते आजे समग्र कच्छ में मुस्लिम समाजना लोकोए ईदगाह खाते ईदनी नमाज अदा करी हती अने भाईचारा साथे एकमेकने ईदनी शुभेच्छा पाठवी हती। भूज खाते आजे विशाळ संख्यामां मुस्लिम समाजना भाईओए ईदनी नमाज अदा करी हती, જ્યાં કચ્છની હિન્દુ મુસ્લિમ કોમી એકતા કાયમ બની રહે તથા સચરાચર સારો વરસાદ પડે તેવી દુઆ કરવામાં આવી હતી। સમાજ અગ્રણીઓએ સદભાવનાનો સંદેશ આપી જરૂરતમંદ લોકોને મદદરૂપ થવા જણાવ્યું હતું। ભુજની મુખ્ય ઈદગાહ ખાતે આજે ઈદ અલ અહદા બકરી ઈદ નિમિત્તે મુસ્લિમ સમાજના ભાઈઓએ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી નમાઝ અદા કરી હતી। નમાઝ બાદ દેશ અને કચ્છ જિલ્લામાં કોમી એકતા જળવાઈ રહે અને લોકોમાં ભાઈચારો વધે તેવી દુઆ મંગાઈ હતી। સાથે સાથે મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું કે કુરબાની એટલે માત્ર બકરાની જ કુરબાની આપવું એવું નથી, તમારા અંદર છુપાયેલી બુરાઈઓ અને તમારી ખરાબ નીતિ અને નિયમોની પણ કુરબાની આપવી પડે છે, પણ કુરબાની ઈદની ઉજવણી છે। તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। આ વેળાએ મુસ્લિમ સમાજના સૈયદ ખેરસા બાપુ, મૌલાના સલીમ કાદરી, અલી મોહમ્મદ જત, અમીર અલી લોઢિયા વગેરે અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સભી હઝરત કો ઈદગાહ કી તરફ સે બાવા સાહેબ અને તરફ સબ લોગો કો ઈદ મુબારકબાદ હો ઓર ઈદ કા મેસેજ ઓર પેગામ યે દેના ચાહ રહા હું કે ભાઈચારે કે સાથ રહે, એક દૂસરે સે મોહબ્બત કરે ઓર બિલખુસૂસ એક ગુઝારિશ યે ભી હૈ કે સભી હઝરત દુઆઈ ઇસ દિન જ્યાદા માંગે कि मेरे आका ने फरमाया इस दिन अल्लाह ताला दुआ को जादू कबूल फरमाता है, ज़्यादा इस दिन दुआएं मांगे। और ख़ास करके एक गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ ख़ास करके मुसलमानों से कि बराए करम ईद के दिन गऊ हत्या न करें। एक हदीस पाक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपने नहीं सुनी होगी, इसको ज़्यादा आप मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पिया करो, इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। लफ सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा रखी गई है। गाय का दूध खाया करो, पिया करो, इसमें दवा रखी गई है। और हुजूर ने तीसरा लफ्ज़ कहा, नबी ने तीसरी बात किया कि मालूम है, हुजूर फरमाते हैं गाय का मीट गोश्त मत खाओ, इसमें बीमारी रखी गई है। तो आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे मुअत्तबाना अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि बराए करम जो हमारे हिंदू भाई को हमारे वजह से कोई चीज़ को तकलीफ होती हो, ऐसा हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए। बरसों पहले मैं मुफ्ती कच्छ हाजी मशा बाबा की बागा गंद गया था तो वहाँ भी बेचारे एक ऐसा नासमझ मुसलमान था, वही बात छेड़ दी कि बाबा साहब हम ये गऊ जो खा सकते हैं, तो बाबा साहब ने सख्ती से मना फरमाया और बाबा साहब ने फरमाया हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिलखसूस कच्छ के अंदर भाईचारा है, तो भाईचारे के साथ रहें, कोई भी हम ऐसा काम न करें जिससे दूसरे मुसलमान को या हिंदू भाई को हमारे वजह से तकलीफ़ हो। आपको बात को सुनकर खुशी होगी कि हमारे पूरे कच्छ के अंदर अलहमदिल्ला भाईचारा है, जहाँ पे आशा मुरा बा का मंदिर भी लोगों को जाते हैं, वहीं पे हाजी पीर की दरगाह है। हाजी पीर का इतिहास आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे हाजी पीर शहीद हुए हैं ना तो गऊ रक्षा के लिए। सब लोगों को बताना चाहता हूँ हाजी पीर जो कच्छ के शहनशाह है, जहाँ पे हज़ारों हिंदू मुसलमान सब आते हैं, ये क्यों शहीद हुए हैं, ये एक गैर मुस्लिम माँ की गऊ को बचाने के लिए अपने प्राण अपनी जान अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी। तो बस हमारे वली हमारे सूफी हमारे संत हमको ये बताते हैं कि भाईचारे के साथ रहें और ऐसा कोई काम न करें जिससे, अरे मुसलमान दूर की बात है, हिंदू दूर की बात है, जानवर को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जा रहे थे, एक बिल्ली सोई हुई थी, बिल्ली जो बिस्तर पर सोई हुई थी, तो बिल्ली की नींद ख़राब न हो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरे बिस्तर को काट दिया, बिल्ली के आराम के अंदर तकलीफ़ न हो इसलिए। आप देखिए हमारे नबी ने हमको कितनी प्यारी तालीम दी है। तो बस मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ हमसे कोई भी ऐसा काम न हो जिससे दूसरे लोगों को दूसरे मज़हब वालों को तकलीफ़ हो। ईद के दिन दूसरे मुसलमान भाइयों से हिंदू से गले मिलें, सब लोगों को माफ़ करें, इससे मोहब्बत पैदा होती है। हमारा ये कच्छ और हिंदुस्तान बिल्कुल हमारा जो कच्छ है इसके अंदर अलहमदिल्ला बहुत भाईचारा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला क़यामत तक तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे को हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला शांति अता फरमाए और रहमत वाली अल्लाह बरस अता फरमाए, ऐसी दुआ अल्लाह ताला जज़ाकर अता फरमाए। आज ईद उल अज़हा दिवस है,
भूज शहर की मुख्य ईदगाह जो ऐतिहासिक ईदगाह है हमीरसर तलाव की बाजू में त्या ईद नमाज अमरा सैयद बापू खेरसा बापूए पढ़ाली अने खुतबो मौलाना सलीम साहेब कादरीए पढ़ायेलू तो ये पोताना संदेशे में कच्छ में भाईचारो अमन अने शांति रहे तेवी दुआ अने प्रार्थना करेली तेमज कच्छ में अने गुजरात में सारो एवो वरसाद पड़े लोक उपयोगी वरसाद पड़े एना माटे पण दुआ गुजारवामां आवेली। भारतीय अंक ज्योतिष शास्त्र ना प्रणेता भारतना आठ वडाप्रधानोनी आगाही करनार ज्योतिषी शंकर बोर इंदिरा गांधीना विजय अने अपमृत्युनी सचोट आगाही करी राजीव गांधीना पराजय अने तेमना अपमृत्युनी पण सचोट आगाही करी अटल बिहारी वाजपेयीना राजीनामानी सचोट आगाही करी हालना भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीनी जीतनी पण सचोट आगाही करी वर्ष 2012 मां पण नरेन्द्र मोदी माटे आगाही करी छे के मोदी जी जीतनी हैट्रिक करशे अने 2024 मां पण चूंटणी जीतशे। ज्योतिषी शंकर गोरनी मंत्र छाप गुरुना नंग वगर साची सलाह अने सचोट उपाय थी 20,000 थी वधु लोकोने फायदो थयो। घर बैठा सलाह मेळवो मोबाइल नंबर 9909602928 टीना हाउस छठी बारी रिंग रोड भाणजी स्ट्रीट भूज कच्छ। मगज तथा करोड़रज्जु संबंधित बीमारियोंना निदान माटे अमदावादनी प्रख्यात होप न्यूरोकेर हॉस्पिटलना न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष राठी ब्रेन तथा स्पाइन सर्जन दर शुक्रवारे भूजमां सवारे 10-2 वाग्या दरमियान LNM लायंस हॉस्पिटल नवी रावलवाड़ी रिलोकेशन भूज मध्ये मळशे। रजिस्ट्रेशन तथा अन्य माहिती माटे संपर्क 9825035451 9825060365। મેલેરિયા હું ફેલાવીશ, જરાક ઉભો તો રે મચ્છર, અમે બધા મળીને તને પાટ બનાવીશું, પાણીથી ભરેલા નાના કાળાઓને માટીથી ભરીશું, ઘરની અંદર જંતુનાશક છંટાવડાવીશું, મચ્છરોનો લાર્વા ખાનારી માછલીઓને અમે રોકાયેલા પાણીમાં છોડીશું, અમે મચ્છરદાનીમાં સુઈશું, અમે મેલેરિયા મુક્ત સ્વસ્થ ભારત બનાવીશું। દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર, આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો, નમસ્કાર।